अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। पहले के क्वेश्चन जब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो अब हम इसमें हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है डेसिमल नंबर्स की वाली। इसमें डेसिमल नंबर्स वाली हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हम लिखेंगे 3 + 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड 5.64। अब ये देखें, बार से पहले क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो हमारी जो अंदर वाली वैल्यूज है वो उसकी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1.4। अब लिखेंगे 3 + 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड। अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5.64 2.70 फोर का फोर आएगा और 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 और 4 में से 2 गया 2, तो हमारा क्या जवाब है यहाँ पे 2.94 माइनस 1.4 ब्रैकेट क्लोज। अब वो लिखेंगे 3 + 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 2.94 को माइनस करेंगे 1.4 और यहाँ 0, यहाँ पे 4 का 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5.1। अब हम यहाँ लिखेंगे 1.54, ये कर्ली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 + 1.25 मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, या 0.85, पॉइंट के नीचे 1 लिखा है, कितने डिजिट्स हैं 2, तो हम 2.0 लिखेंगे। डिवाइड, यहाँ पर भी हम पॉइंट्स ख़त्म करते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट्स ख़त्म करेंगे तो इसके नीचे 1 और यहाँ पर 100 आ जाएगा, 2.0 आ जाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 + अब हम यहाँ लिखेंगे 1.25 मल्टीप्लाई 385, यहाँ नीचे आएगा 100 और डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 154 नीचे आ जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा, 100 से कैंसिल। अब हम लिखेंगे 3 + 1.25 मल्टीप्लाई 385 बाय 154। अब हम यहाँ पर करेंगे इसको डिवाइड, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 385 अंदर रखेंगे और 154 बाय, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 385 अंदर रखेंगे 154 बाहर। अब हम 154 को 2 पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 4 8, 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 308, तो ऊपर आएगा 2, यहाँ पे हम 15 में से जब 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ 7 का 7, अब ये छोटी वैल्यूज है और ये बड़ी है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 और ये 0 नीचे लेकर आएंगे। अब हम 154 को करके देखते हैं 5 पर, 5 4 20, 2 कैरी, 5 5 25, 27 का 7 और 7 का 2 कैरी, 5 1 5 और 7, यहाँ पर हमारे पास आया 770 और यहाँ पे लिखा है 5। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 + 1.25 मल्टीप्लाई, हमारे क्या आंसर आया 2.5। अब हम 1.25 को और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 12, 1 कैरी, 5 1 5 और 6, 2 5 10, 10 1 कैरी, 2 2 4 और 5, 2 1 2, 5 का 5 2, ये 11 और ये 3। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पर कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इसके यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद, तो टोटल कितने हो गए 3, तो हम यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 + 3.125, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 पॉइंट, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा लेते हैं और नीचे ये वैल्यू 3.125, 521.6, इसका आंसर क्या आया है 6.125। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू है 2.35 + 12.099 डिवाइड 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पर माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हम पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तो 1.45 इसी तरह लिखेंगे, तो अब हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1.23 और 2.1,
वन को करेंगे थ्री का थ्री, टू का टू, वन का वन, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, यहाँ पे आएगा थ्री, सॉरी यहाँ पर आएगा थ्री, यहाँ पर एट, यहाँ फाइव और यहाँ टू। तो यहाँ पर हम लगाएंगे थ्री के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2.583 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 2.583, अब 1.45, यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो, थ्री का थ्री, फाइव में से एट में से फाइव गए थ्री, यहाँ पे 1.1। तो यहाँ पे हमारे देखें बड़ी वैल्यू ये है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब इज इक्वल टू 2.35 प्लस 12.099 डिवाइड, हम इनको किया सॉल्व तो क्या आया 1, माइनस 1.133। अब हम करेंगे 2.35 प्लस 12.099, यहाँ हम डिवाइड और ये माइनस 1.133 और ये ब्रैकेट क्लोज। 2.35 प्लस यह, अब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 9, यहाँ पे 100, यहाँ पे डिवाइड आएगा और यहाँ 1133, नीचे 100, यहाँ आएगा 2.35 प्लस 12099 बाय 100, यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ माइनस 1133, 100 100 से कैंसिल हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे 2.35 प्लस, इन दोनों को कैंसिल करती है तो हमारा क्या आया जवाब, 12099 डिवाइड माइनस 1133। अब लिखेंगे 2.35, अब यहाँ पे देखें इसको इनको डिवाइड करना, तो यहाँ मैं डिवाइड कर चुकी हूँ, इसका जो आंसर आया वो है वो प्लस माइनस माइनस, इसका जो जवाब आया वो है 10.67। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ, तो माइनस करने पर यह 7 में से 5 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10 यहाँ पे, यहाँ 10, 10 में से 2 गया 8, तो हमारा जो आंसर है वो है 8.32, ये आंसर है। तो पता है यहाँ लिखेंगे 15.165 डिवाइड 2.125 प्लस 3.04 माइनस। अब ये देखें यहाँ पर अगर हमारे बाहर हम हटाते हैं तो ये बाहर साइन प्लस का, तो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इसको पहले कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2.75, हम इनको माइनस कर लेते हैं 2.06, 2.02, यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए 4, 0.0 में से 0 गए 0, यहाँ मल्टीप्लाई 0.04। अब हम इसकी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, अब यहाँ लिखेंगे 15.165 डिवाइड 2.125 प्लस 3.04 माइनस। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2.75, 0.04। अब हम इसको पहले 4 को करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 20, 8 2 और 30 का 3, 4 2 ज़ा 8 और 11। अब हम यहाँ करेंगे तो 0 0 0, उसके बाद हम मल्टीप्लाई लगाएंगे 0 0 0 0। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये देखो ये वाला 0 मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर इन दोनों का 0 यहाँ, 1 0 जमा 1, 1 0 जमा 1 और ये लास्ट वाला 0 यहाँ। अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो 4 डिजिट्स के बाद है, तो हम यहाँ पर 4 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, लेकिन देखें ये दो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम 0.11 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 0.11, अब ब्रैकेट ये लगाएंगे हम। अब हम लिखेंगे 15.165 डिवाइड, यहाँ लिखेंगे 2.125 प्लस, अब हमने इन दोनों को माइनस करना है 3.04, 0.11, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ कुछ नहीं है 0, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9.2, तो इसका जो आंसर है 9.3, 2.93। तो अब हमारी ये ब्रैकेट आ गया, हम यहाँ लिखेंगे 15.165 डिवाइड, अब हम इन दोनों डिवाइड, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 2.125, कुछ नहीं है 0, 5 5,
और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हम यहाँ लिखेंगे 5.055। अब हम इनका पॉइंट कैंसिल, अब हम इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे, 165 यहाँ पर आ जाएगा 1000 डिवाइड 5055 नीचे आ जाएगा 1000। अब हम यहाँ लिखेंगे 15165 डिवाइड 1000, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा और उसके बाद 5055 ये कैंसिल हो गया। हम यही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 15165 डिवाइड 5055। हम इनको डिवाइड करते हैं, 15165 बाहर लिखेंगे 5055। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 पर, 3 5 15 वन कैरी, 3 5 15 और 1 16 वन कैरी, 3 0 0 1 यहाँ पर आएगा, 3 5 15, यानी कि हमारा जो आंसर है वो किस पर जा रहा है, 3 पर, 3 पर, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 3 आंसर है। अब हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो है 0.8 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 0.55 डिवाइड, हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, 0.002 यहाँ लिखते हैं, 0.02 यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा देते हैं, 0.2 यहाँ कुछ नहीं है, तो 0, 2 2 2 और 0.0 यहाँ पर आएगा, 0.222। अब यहाँ पे हम 0.8 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई, अब हम इसका वो ख़त्म कर देते हैं पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 3 डिजिट्स है पॉइंट की बात, तो हम 1000 लिखेंगे, डिवाइड यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे भी यही आएगा। तो उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट और क्लोज करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई हम 0.55 यहाँ पे 1000 यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 1000 यहाँ पे 0.22 ये कैंसिल। अब हम यहाँ लिखेंगे 0.8 4.9 मल्टीप्लाई 5 5 और 2 2, अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना, 5 5 अंदर बाहर लिखेंगे 222। अब हम 222 को पहले हम 2 पे कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे 444। अब 1 1 1 अब ये छोटा हो गया पॉइंट लगा के 0, अब इसको हम कर लेते हैं 5 पर, यहाँ 0 लगाया फिर नीचे, अब 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 5 2 ज़ा 1 2 11 यहाँ पर इसका जो जवाब है 1 1 ये और यहाँ पे 5, यानी कि इसका आंसर ये है 0.8 मल्टीप्लाई 4.9। अब इनको जो मल्टीप्लाई किया है 2.5, 2.5 को और 4.9 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो जवाब आएगा, 4.9 और 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा मल्टीप्लाई 12.25। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आसान था, वो आपको ट्राई कर सकते हैं, हम इसको करते हैं 0.8। अब हम लिखेंगे 8 5 ज़ा 40 4 की कैरी, 8 4 ज़ा 16 और 4 20 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16 16 में 2 कैरी करेंगे तो 18 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 1 9 यहाँ पे हमारा 3 के बाद है तो हम यहाँ 3 के बाद लगाएंगे पॉइंट्स, तो हमारा जो आंसर है 9.8 यहाँ पे, इसके बाद 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस, अब यहाँ आएगा 1.123 मल्टीप्लाई अब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, 9 2 6 1 नीचे आएगा 1000 डिवाइड यहाँ पे भी 2 3 4 5 यहाँ आएगा 1000, अब प्लस 5.432 यहाँ इसके स्पेस नहीं थी ऊपर लिख दी थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.03 ये इसी क्वेश्चंस का ये हिस्सा है। अब हम लिखेंगे 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस 1.123 मल्टीप्लाई यहाँ 9 2 6 1 1000 यहाँ 1000 ऊपर जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, 5 प्लस 5.432
मल्टीप्लाई 2.03, 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस 1.123 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। अब हम इनको डिवाइड करेंगे 9261 बाय 2345 प्लस 5.432। यहाँ मल्टीप्लाई 2.03, 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस 1.123 मल्टीप्लाई। अब हमने इनको डिवाइड करना है, इनको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो हम इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, वो आएगा 3.949 प्लस 5.432। मैंने पहले आपको इसमें इसके पहले क्वेश्चन जो किए हैं उसमें मैंने आपको डिवाइड भी करके दिखाया है और मल्टीप्लाई भी, तो अब आप लोगों को आ गया होगा, तो अब आप लोगों को ट्राई करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस 1.123 मल्टीप्लाई। अब हम इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा, हमारा जो जवाब आएगा इनको प्लस करने पर 9.381 ब्रैकेट क्लोज। अब लिखेंगे 2.03 और हम लास्ट में लिखेंगे 5.2383, उसके बाद डिवाइड यहाँ लिखेंगे 1.026 प्लस। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जवाब आ रहा है 10, यहाँ पे हम ये ख़त्म कर देते हैं ब्रैकेट, 10.53 मल्टीप्लाई 2.03। अब हम इसका स्टेप करते हैं नेक्स्ट स्टेप, 3.82383 डिवाइड। अब हमने इनको क्या करना है, प्लस, प्लस करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 111.555 मल्टीप्लाई 2.03 को, इनका पॉइंट ख़त्म करना है 5.2383, यहाँ पर आएगा पॉइंट के नीचे 1, 4 जीरो आएंगे, यहाँ डिवाइड 111.5, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 5, 5 नीचे आएंगे 3 जीरो, अब मल्टीप्लाई 2.03। अब हमने 5.2383 1000 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 11.55 मल्टीप्लाई 2.03, 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, अब ये देखो 3 जीरो 3 जीरो से कैंसिल, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.2383, यहाँ पर 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11.55, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2.03 आंसर आएगा 0.4531 मल्टीप्लाई 2.03। अब सिंपल हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, उस तो इसका आंसर आएगा 0.9198, ये इसका आंसर है। ये वाले क्वेश्चन में मैंने इसलिए सिंपलीफाई नहीं किया क्योंकि अब इस क्योंकि मैं पहले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व कर चुकी थी, तो आई होप आपको उसका मेथड आ चुका होगा कि किस तरीके से करना है, तो आप लास्ट वाले में खुद लास्ट वाले क्वेश्चन में जो सॉल्व करने का तरीका है प्लस माइनस वगैरह वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।